हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इन्हीं तीन स्मार्टफोन्स का एंटूटू बेंचमार्किंग टेस्ट। ये तीनों स्मार्टफोन कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है मेरा LG G8X, दूसरा है यहाँ पर Realme X और तीसरा है यहाँ पर, मुझे इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है 2020 का। क्यों, आपको इसके फुल रिव्यू में पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम इन्हीं तीनों स्मार्टफोन का करने वाले हैं एंटूटू बेंचमार्किंग टेस्ट। और आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको क्यों रखा, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन होता है एक्चुअली में उसकी परफॉर्मेंस जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं जैसे कि ये Asus ROG Phone 3 हो गया, उससे कितना ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है, क्या उसके टक्कर का भी है, उससे कितना नीचे है, सब कुछ आपको पता चल जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर Realme X को भी चुना इस बेंचमार्किंग टेस्ट के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर आपको दो बेंचमार्क दिखाऊंगा। एक मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगा एंटूटू का बेंचमार्किंग टेस्ट और दूसरा यहाँ पर करूँगा Geekbench 5 का स्कोर आपको दिखाऊंगा इन्हीं तीनों स्मार्टफोन्स का। और अगर आप और कोई टेस्ट भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको काफी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को बहुत ही जल्दी। चलिए शुरू करते हैं इस बेंचमार्किंग टेस्ट को। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं अपने डिवाइस से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पर है मेरे पास में Realme X, दूसरा है यहां पर LG G8X ThinQ और तीसरा जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है यहां पर Asus ROG Phone 3। तो अब आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन यहाँ पर जीतने वाला है। और ये जो तीनों स्मार्टफोन है उनमें मैंने बेंचमार्किंग ऐप को ओपन कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके इनिशियल स्कोर यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ये है मेरा स्टॉपवॉच और मैं इसमें टाइम देखकर बताऊंगा कि कौन सा डिवाइस कितने टाइम में अपने एंटूटू बेंचमार्क को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है इन सभी टेस्ट को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है टेस्ट को शुरू और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप बोर ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी होगी जिनको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, जिनको आप एक्चुअल में देखेंगे तभी आइडिया लग पाएगा कि एक्चुअली में ये जो तीनों डिवाइस है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो LG G8X है वो आप देखिए और यहाँ पर जो Asus ROG Phone 3 है वो आप देखिए, यहाँ पर जो Realme X है वो आप देखिए कि तीनों का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है। सबसे मुझे जो यहाँ पर स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रहा है वो Asus ROG Phone 3 में। ऑब्वियसली यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो दूसरा मुझे स्मूथ परफॉर्मेंस मिल रहा है वो यहाँ पर है LG G8X, जो सबसे बेकार और सबसे रद्दी मुझे यहाँ पर क्वालिटी मिल रही है वो है यहाँ पर Realme X। बट कोई कंप्लेंट नहीं यहाँ पर क्योंकि प्राइस भी बहुत ही कम है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि Realme X कितना अटक अटक का चल रहा है, वहीं Asus ROG Phone 3 सबसे स्मूथ है और फिर उसके बाद LG G8X। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब बारी आ गई है चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने की। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बस यही एक ऐसी चीज़ है जिनको मैं आपको फिर से आपको दिखाना चाहता था। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी जो परफॉर्मेंस है उसमें Asus ROG Phone 3 लीड लेता हुआ दिख रहा है और यहां पर जो LG G8X है उसके पीछे पीछे है और यहां पर जो Realme X है वो सबसे पीछे है। तो यहां पर ये हो गया है टेस्ट शुरू। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। जो Asus ROG Phone 3 है अभी लीड कर रहा है। यहाँ पर आप टेक्सचर वगैरह को भी देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ मुझे यहाँ पर एक्चुअल लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब Asus ROG Phone 3 का यहाँ पर मैंने एंटूटू बेंचमार्किंग किया। काफ़ी स्मूथ सा यहाँ पर सिल्की स्मूथ यहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस मिला। यहाँ पर जो पहले पे है वो Asus ROG Phone 3, दूसरे पे LG और तीसरे पे Realme X। और यहाँ पर अब चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने का टाइम आ ही चुका है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि Asus ROG Phone 3 ऑलमोस्ट यहां पर इस टेस्ट को पास कर चुका है और यहां पर जो Realme X है वो अब यहां पर टेस्ट को शुरू कर रहा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि तीनों ही स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो एक से बढ़कर एक है। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर कहना चाहूँगा कि Asus ROG Phone 3 सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 865+, वहीं LG में स्नैपड्रैगन का 855 और यहाँ पर आपको Realme X में देखने को मिल रहा है पिछले साल का स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर। तो ऑब्वियसली प्रोसेसर का अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोसेसर जो लेटेस्ट है यहाँ पर Asus
ROG Phone 3 में बेस्ट है, और वहीं LG में आप देख सकते हैं और Realme भी आप देख सकते हैं। तो अब आप इस टेस्ट को एंजॉय कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा आपको ले चलता हूँ इनको इंटू स्कोर के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम चीज़ों को हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब यहाँ पर मैं आपको इनके एक्चुअल स्कोर को दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सारे टेस्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट निकल कर आने वाला है वो मुझे लग रहा है इस ROG Phone 3 ही देगा। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ROG Phone 3 ने टेस्ट को ख़त्म कर दिया है 635,988। वाओ, काफ़ी इम्प्रेसिव पॉइंट्स है। और यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे है वो है यहाँ पर LG, और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे है वो है यहाँ पर Realme X। और इन जो तीनों स्मार्टफोन में यहाँ पर टाइमिंग लगा वो मुझे यहाँ पर कुल मिलाकर 9 मिनट 56 सेकंड लगा यहाँ पर मुझे Realme X में, और यहाँ पर LG में लगा 8 मिनट 54 सेकंड और 8 मिनट 48 सेकंड यहाँ पर मुझे लगा Asus ROG Phone 3 में। तो अब यहाँ पर आप तीनों को ही स्कोर को देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर Asus, फिर दूसरे पे LG, और यहाँ पर जो है यहाँ पर Realme तीसरे नंबर पर। और अब बारी आती है Geekbench 5 की स्कोर की। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही स्मार्टफोन के ऊपर मैंने बैज लगा दिए हैं कंपनीज़ के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, पहले पर यहाँ पर Asus का स्कोर निकल कर आया, दूसरे पे LG, और तीसरे का स्कोर आप Realme का देख सकते हैं कि तीनों का स्कोर कैसा लगा। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और टेस्ट आगे भी आने वाले हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।